सभी बंधुओं को, इस देश के महान सामाजिक क्रांतिकारी महामना ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर हम लाख लाख बधाई देते हैं। आज जो समाज में परिवर्तन है, आज समाज में यथा स्थितिवाद के विरोध में जो माहौल बना है, उसमें पहली चोट ज्योतिबा फुले ने और किले को धराशायी करने का काम ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आज ज्योतिबा जीवित होते तो 193 साल के होते, यानी कि अब से 7 बाद उनके 200 साल पूरे होने वाले हैं, 2 शताब्दियां पूरे होने वाली हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और उनका जो निधन हुआ था, वो जो चार तत्वों में लीन हुए थे, वो 28 नवंबर 1890 में हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब के प्रादुर्भाव से पूर्व हमारे ज्योतिबा फुले इस संसार से विदा हो गए थे। आओ हम ज्योतिबा फुले के माध्यम से क्या पाए, उस पर संक्षिप्त सा विवेचन करते हैं। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, कुछ लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगती, मगर सच्चाई तो सच्चाई है, वो कहना भी चाहिए कि यदि इस देश में अंग्रेज ना आते, ध्यान से सुनना बच्चों, खासतौर से छोटे बच्चे जो अखबारों को और टेलीविजन को देखकर अपनी राय बनाते हैं, वो ध्यान से सुन लें और गांठ बांध लें कि इस देश में अगर अंग्रेजों का आगमन ना होता, वो यहां के शासक ना बनते, तो ना हमें फूले मिलते, ना हमें बाबा साहब मिलते, और ना ही हमें सम्राट अशोक मिलते, ना ही हमें बुद्ध मिलते, ना ही हमें ब्राह्मी लिपि मिलती। ये सब अंग्रेजों के शासन के आने के कारण हुआ। हम अंग्रेजों का गुणगान नहीं कर रहे, मगर उनके आने से हमारे जो महापुरुष अस्तित्व में आए, उनका परिचय देना बहुत जरूरी है। जिनसे आज हमें परेशानी है, उन लोगों ने तो हमारी विरासत को मिटाने का काम किया। अब आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के पतन के बाद, बौद्ध धर्म का जब रूप बदला, तो उसमें आगे जाकर 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए। 9 नाथ 84 सिद्ध हुए, वो सीधे सीधे बुद्ध की बात नहीं करते थे, मगर जिस प्रकार से घी की हांडी होती है, हंडिया जिसमें घी रखते हैं, आप उसमें घी रखना छोड़ दो, मगर 25 साल बाद भी उस हांडी को आप सूखेंगे तो उसमें से देसी घी की खुशबू आती है, सुगंध आती है। इसी रूप में जो 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं, इनका साहित्य पढ़ने के बाद में बौद्ध धर्म की आहट सुनाई देती है। और उनके बाद में जो एक जिनको कहते हैं ना भक्तिकालीन युग, ना भक्तकालीन युग नहीं था, वो मुक्तिकालीन युग था, जिसमें संत रैदास, संत श्रोमणी गुरु रविदास, कबीर साहेब, नानक साहेब, दादू दयाल, न मालूम कितने संत पैदा हुए। ये भी बुद्ध के नाम से अपरिचित थे, मगर जितने भी संदेश इन महापुरुषों ने दिए, वो सब बुद्ध के ही संदेश थे। इसके बाद जाकर के पूरा अंतराल है, एक लंबा अंतराल है। इस लंबे अंतराल के बाद एक सामाजिक परिवर्तन करने का बीड़ा अगर किसी ने उठाया, ज्योतिबा फुले ने उठाया। 1827 में वो पैदा हुए और अपने जो मौसी की लड़की थी क्षीर सागर, सगुणाबाई क्षीर सागर, वो आया थी एक अंग्रेज फैमिली में, वो ज्योतिबा को भी अपने साथ ले गई।
उन्होंने ही ज्योतिबा को अंग्रेजी में अक्षर ज्ञान कराया, शब्द बताए, सेंटेंस बनाने सिखाए, और उस का तो मां थी नहीं, उस मौसी की लड़की ने मां की भूमिका भी निभाई, यानी कि उसके पालने पोषने का काम किया। ज्योतिबा की नजर में उसका बड़ा सम्मान था। तो हम देखते हैं कि समाज में परिवर्तन करने का उन्होंने जब बीड़ा उठाया तो लोहे के चने चबाने पड़े। इस देश की अंदर बेचक अंग्रेजों का शासन था, मगर समाज में सारा शासन मनुस्मृति का चलता था। ये जो समाज का शासन मनुस्मृति का, ये मुसलमानों के शासन में भी रहा, मगर साथियों जो भी इस व्यवस्था से टकराया, जिसने भी इसमें परिवर्तन करना चाहा, इसमें कुछ सुझाव देने चाहे, उस व्यक्ति को लोहे की चनी चबाने पड़े। इस व्यक्ति ने, ज्योतिबा फूले ने, एक बड़ा अच्छा काम यह किया कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया, समाज को सबल शक्तिशाली बनाने का काम किया। ये बात जब इस देश के समाज पर अपना वर्चस्व रखने वाले ब्राह्मणों को पता हुई, तो वो तो शिक्षा का महत्व जानते थे। शिक्षा के महत्व के कारण ही वो स्वयं समाज के शीर्षस्थ पद पर आसीन थे, और इस पद पर दूसरों को जाने नहीं देते थे। उसका कारण ये था कि उनको पता था इन्हें शिक्षित होने दिया तो ये कल को हमारे साथ पंजा लड़ा सकते हैं। तो साथियों, उन्होंने ज्योतिबा फूले के बाप को भड़काया, और ज्योतिबा फूले के पिताजी ने उनके बहकावे में आकर अब ये भी ना सोचा कि तेरे बुढ़ापे की जो सहारा है, तेरे बुढ़ापे की जो लाठी, तेरी अकेली औलाद है, इसी तूने घर से निकाल दिया तो तुझे कितने बुरे दिनों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ज्योतिबा को निकाल दिया। उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले, जो बहुत सुघड़ थी, बहुत समझदार थी, जिसे ज्योतिबा फूले ने पढ़ा लिखा करके एक शिक्षिका बनाया था, जो बहुजन समाज की पहली शिक्षिका नहीं है, सारे भारतवर्ष की इस पुनर्जागरण युग की पहली शिक्षिका है। ये उपलब्धि हमारे अनुकूल साहित्य नहीं लिखा गया, फिर भी ये उपलब्धियां हमारे हाथ लगती हैं। तो बच्चों, इन उपलब्धियों पर आप इतराना और इनका गुणगान करना, और सदा इन आदर्शों को अपने सामने रखना। देखिए, उन्होंने शिक्षा के रास्ते पर चलकर, शिक्षा क्योंकि प्रतिबंधित थी हमारे लिए, और शिक्षा की बात करना समझो तलवार की धार पर चलने समान कठिन कार्य था। तो इन्होंने, फूले जी ने स्कूल खोले, महिलाओं के स्कूल खोले, पुरुषों के स्कूल खोले, अछूत कन्याओं को पढ़ाया, अछूत बालकों को पढ़ाया, और पूना में अपना सांस्कृतिक केंद्र अनेक स्कूलों के माध्यम से जब चलाया तो एक नई किस्म की क्रांति खड़ी हुई। उनको ब्राह्मणों ने खून के आंसू रुलाया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो उसको ये सोचकर कि ये निरुत्साहित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, तो इस शिक्षा के अभियान को छोड़कर घर में बैठ जाएगी, वो उस पर पत्थर फेंकते थे, उस पर गोबर फेंकते थे, उस पर थूकते थे। मगर वो महिला भी कितनी जीवट वाली महिला थी, कितना मजबूत जीवट था उसका, कि उसने सारे जुल्म सहे। घर से वो 3 साड़ियां लेकर आती थी, 1 साड़ी पहनकर आती थी जो गंदी हो जाती थी, दूसरी साड़ी वापिस जाने के लिए होती थी, और तीसरी साड़ी स्कूल में पहनकर पढ़ाने के लिए होती थी। इतना जुल्म और अत्याचार जब उन्होंने सहा, मगर साहब उनकी महानता देखिए कि उन्होंने उस समाज में जो विधवा विवाह प्रतिबंधित था, विधवा विवाह की जब हम बात करते हैं तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, जितने भी दलित हैं, जितने भी पिछड़े हैं, जितने भी आदिवासी वासी हैं, ये विधवा विवाह इनकी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ विधवा विवाह होते थे, विधवा विवाह समस्या ब्राह्मणों की थी, कुछ सवर्णों की थी। वो क्या करते थे, वो प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि अगर किसी का पति मर गया तो वो उसका, उसकी विरासत पर, उसकी संपत्ति पर, उसके मकान पर, उसके खेत पर, उसके नकद खजाने पर कब्जा ना कर ले, इसलिए एक षड्यंत्र रचा गया कि स्त्री को पुरुष के साथ बलि कर दिया जाए, बलि चढ़ा दिया जाए। और जब बलि प्रथा बदनाम हो गई तो फिर विधवाओं को 2वें दर्जे का नागरिक जैसा मानकर
उनको सब अधिकारों से वंचित करके, उनको सरसाफ करके और सफेद कपड़े पहना के समाज में दूर रखा जाता था। अक्सर क्या होता था उन महिलाओं को, उन महिलाओं के अपने ही परिवार के लोग, वो देवर भी हो सकते हैं, जेठ भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, वो उनको गंदा कर देते थे, वो गर्भवती हो जाती थी। वो गर्भवती होने की वजह से लोग लाज से क्या करते, वो अपने बच्चों को जन्म देती और जंगल में इधर उधर फेंक कर आ जाती थी। ये एक आम चलन था उन दिनों का। जब हम इसका स्मरण करते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है। इसी प्रकार की एक घटना उन्होंने, इसी प्रकार का उन्होंने काम किया, जो बाल हत्या गृह, जो बालों बच्चों की हत्याएं होती थी प्रसूति के समय, उनको पालने का एक उन्होंने निर्णय लिया और कई जगह केंद्र खोले। लोग आते थे, उस केंद्र के बाहर एक पालना रखा होता था, जो अनिच्छित बालक होता था उसकी माँ उसको उस पालने में रख के चली जाती थी, और जब बच्चा रोता था उसकी आवाज वो अंदर सुनते थे, या बगैर उसके रोए भी उसको देख लेते थे तो अंदर ले जाते थे, अपने बच्चे की तरह उसको पालते थे, पोषते थे, पढ़ाते थे। ऐसे ही एक घटना बहुत मशहूर है, एक ब्राह्मणी जो अपने परिवार वालों से दूषित कर दी गई थी, उसके साथ अनाचार हुआ था, उसने गर्भ धारण कर लिया था, गर्भ जब परिपक्व हुआ तो उसने अपने प्राण देने की सोच ली, और वो जो नदी थी पूना की, उस नदी के पुल पर आई और नदी से कूदकर अपने प्राण देने ही वाली थी, तो ही उसको हमारे मुक्तिदाता ज्योतिबा फूले ने देख लिया, और जब देख लिया तो दौड़कर उसके पास गए, उसका हाथ थामा और उसका, बहन ये अनर्थ मत कर, मैं हूं ना तेरी लाज बचाने के लिए, तेरे जीवन का पालन करने के लिए। वो उस महिला को अपने घर लाए, उनकी डिलीवरी कराई, उनकी प्रसूति कराई, बालक पैदा हुआ और उस बालक को उन्होंने गोद ले लिया, स्वीकार कर लिया। जो ब्राह्मण समाज उनके खून का प्यासा था, उनके भविष्य को पहुंच कर रख देना चाहता था, उन्होंने उसी समाज की आबरू को अपने घर लाकर उसको पाला पोसा और उसी उसका नाम क्या रखा, यशवंत। यशवंत का मतलब यशवान, विजेता। और उसको पढ़ाकर उन्होंने डॉक्टर बनाया। ये ज्योतिबा फुले की महानता। साथियों, एक प्रकरण आता है कि उनको एक बार उनकी समाज सेवाओं से प्रसन्न होकर एक मंडल ने उनको सम्मानित किया और उनको महात्मा की उपाधि दी। ये इसको आप ऐतिहासिक घटना मान के याद रखना, मगर महात्मा शब्द का इस्तेमाल कभी मत करना। अपने महापुरुष वास्तविकता थे, आत्मा परमात्मा महात्मा ये वास्तविकताएं नहीं है, ये काल्पनिक अवधारणाएं हैं, मगर ज्योतिबा फूले वास्तविकता थे और उन्होंने ईश्वर की मान्यता को ठुकराया था और उसके स्थान पर निर्मीक की भावना, निर्मीक का कंसेप्ट दिया था। तो हम अपने महापुरुष को जिसकी आत्मा में परमात्मा में कभी यकीन नहीं था, उसको महात्मा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, महामना। महामना क्या, जिसका मन बड़ा है, जिसकी मनीषा बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है, जो उदार और कल्याण मंगल की ही सोचता है, सबका भला सोचता है, सबको उनके दुख को देखकर दुर्वित हो जाता है, सबको प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए खुद कष्ट भोगता है मगर औरों को सुख देने का इंतजाम करता है, वो व्यक्ति महामना होता है। हमारे ज्योतिबा फूले को महात्मा कहना, आज के जमाने में उनको गाली दे, वो जमाना था जब हम इन सब चीजों को नहीं समझते थे, उन्होंने हमारे महापुरुष का सम्मान भी कर दिया और अपनी थोथी संस्कृति भी उन पर थोप दी। अब वो समय आ गया है, अब हमें उससे सावधान रहना है। प्यारे बच्चों, अपने महापुरुषों का हमेशा गुणगान करना। हम जब कभी भी आपके महापुरुषों की कोई पुण्यतिथि आए या उनका जन्मदिन आए, उसको आप सेलिब्रेट करना, मगर एक बात याद रखना, महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस उतना ही महान होता है जितना उनका जन्म दिवस होता है। कारण क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है कुछ लेकर नहीं आता, उसकी पहचान भी अपनी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, ये फला का बेटा है, अपना उसका कुछ नहीं होता, मगर वो जब जाता है तो बहुत कुछ देकर जाता है और दुनिया उसके पीछे रोती है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। बाबा साहेब जब गए थे 6 दिसंबर 1956 को, तो कितने लोग
सागर के किनारे दादर चौपाटी पर इकट्ठा होकर रोए थे। क्यों रोए थे? क्योंकि उनकी उपलब्धियों को याद कर करके सब दुखी हो गए थे। ऐसे ही अब याद रखना कि 11 तारीख को महामाना ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, हम उस दिन अपने घर में उनका जन्मदिन मनाएं, उनका साहित्य पढ़ें। साहित्य हमें एक बात का बहुत गर्व है कि हिंदी भाषा में ज्योतिबा का साहित्य बहुत सारे लेखकों ने और प्रकाशकों ने अपने प्रयासों से छापा है, मगर इस बात की हमें बहुत खुशी है कि प्रोफेसर विमल कीर्ति जी के इनिशिएटिव पर उनका साहित्य छापने का काम, उनके द्वारा अनुदित साहित्य को छापने का काम सम्यक प्रकाशन ने आरंभ किया, और बाद में प्रोफेसर अपना डॉक्टर संजय गजबीय जी जो नागपुर वासी विद्वान हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने बहुत सारी उनकी किताबों का अनुवाद हिंदी में किया है। आज हम कह सकते हैं कि फूले साहित्य, जिसमें ज्योतिबा फूले का भी और माता सावित्रीबाई फूले का भी साहित्य शामिल है, वो सबसे ज्यादा अनुवाद का काम सम्यक प्रकाशन ने ही किया है। आज हम देखेंगे कि ये ज्योतिबा फूले का एक छोटी सी किताब है सत्सार, इसी के साथ उनकी एक किताब और है, इसका नाम है इशारा। उनके अलावा किसान का कोड़ा, किसान का कोड़ा जो किसान पर पड़ता है ना, हंटर जैसा होता है वो कोड़ा, ये भी उन्हीं की है। और एक किताब उनकी गुलामगिरी जो हमने यहाँ लगाई है, हमारी बड़ी आदर्श पुस्तक है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि उनके ज्योतिबा फूले के बाकी ग्रंथ भी, ये हमने एक सचित्र जीवनी उनकी बनाई है। एक तरफ चित्र है और एक तरफ ये मैटर है, ये विमल कीर्ति जी की है सचित्र फूले जीवनी। और इसके बाद में सचित्र सावित्री बाई सचित्र जीवनी ये हमने लिखी है, इसमें भी एक तरफ चित्र हैं और एक तरफ उनके आलेख हैं। ये बड़े प्रेरणादायी प्रसंग हैं, लोग इनको पढ़ पढ़कर अपने भाषण तैयार करते हैं, और जब हम उनके भाषण सुनते हैं तो हम बड़े इतराते हैं, बड़े खुश होते हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि छोटी किताब ज्यादा काम करती है, छोटा तीर बड़ा गंभीर जख्म करता है। ये छोटी किताब ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फूले और ये छोटी किताब महामाना ज्योतिबा फूले, इस प्रकार से एक बड़ी किताब ज्योतिबा फूले का एक आप इसे छोटा समग्र कह सकते हैं। ये डॉक्टर हेमलता आचार्य बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और उज्जैन से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने ज्योतिबा फूले का ये बड़ा ग्रंथ तैयार किया है। इसके अलावा पीआर गौतम जी ने फूले शाह अम्बेडकर मिशन आजादी और आंदोलन, ये बड़ा अच्छा ग्रंथ आया है। ज्योतिबा फूले जो मैडम सरोज आगलावे, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन अर्पित किया हुआ है। प्रोफेसर आगलावे जी की वो पत्नी है, उन्होंने ये किताब लिखी बहुत पहले, उसका नाम है ज्योतिबा फूले का सामाजिक दर्शन। बहुत विवेकपूर्ण, बहुत विद्वतापूर्ण पुस्तक है, पढ़ने से वास्ता रखती है। एक सावित्रीबाई फूले के जो भाषण है, बहुत प्रसिद्ध जो भाषण है, कम भाषण है मगर बहुत कमाल के हैं, इनको भी हमने एक छोटी सी किताब में संजोने का काम किया है। एक किताब ज्योतिबा फूले की अमर कहानी, ये बहुत पहले हमने लिखी थी, अब तक भी ये जारी है। और एक किताब सावित्रीबाई फूले की आज तक की सबसे बड़ी किताब है, वो है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की अमर कहानी। ये इस प्रकार से कुछ किताबें हैं और कुछ किताबें अभी और आने वाली हैं। मैं बता दूं कि शिवाजी का पावड़ा जो एक मराठी में उन्होंने लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद आने वाला है। और एक जो बाबा साहब के एक आदर्श थे जिनका नाम अर्जुन जी केलुस्कर था, उन्होंने भी एक लिखी है जीवनी, वो भी आने वाली है। आप इन्हीं जानकारियों के साथ मैं उनके जन्मदिन की 193 वाद जीवित होते तो 193 साल के होते, उस उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को सम्यक प्रकाशन की ओर से, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की ओर से, मैं सम्यक समता बुद्ध विहार की ओर से उन सभी के प्रति उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कामना करता हूं कि वो सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखद रहें, निरापद रहें
और प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें और अपने महापुरुषों के मार्ग को आगे बढ़ाते रहें, उस मार्ग पर खुद भी आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय फूले, जय सावित्री।